हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एड बी चैनल। दिस इज आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द ईज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपके हिस्ट्री का चैप्टर 4। और तो इसमें देखिए, पहली मतलब ये आप समझ लीजिए कि हमको ये देखना है कि कहाँ से इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो कब से हुआ और कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज वगैरह कहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बेसिकली आपको जानना है। तो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको वीडियो में बने रहना है। सारी चीज़ें और टॉपिक आप एक बार देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और आपसे मैं कह दूँ कि बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट वीडियोस, आपके 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट, 5 मिनट में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट, इस तरह की वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना, वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन कर आ जाएगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए हमारी तैयारी जो होती है वो पूरी होनी चाहिए। बाद में एग्जाम टाइम में आप शॉर्ट में उसको देखने के लिए अलग अलग जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, 5 मिनट में पूरे चैप्टर कंप्लीट, ये सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पूरी बुक जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें पहला फिगर आप देख रहे हैं, इसमें फिगर 1 डाउन ऑफ सेंचुरी, ईटी पाल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क अमेरिका का, और ये इंग्लैंड 1900 सेंचुरी का ये जो है फिगर है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से ट्रेड वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और जो है आप कौन सा रूट आप देख रहे हैं इसमें, हवाई वाला, ठीक है, और इधर पीछे देख रहे हैं आप इसमें पानी वाले भी रूट से कुछ लोग आ रहे हैं। तो इस फिगर के बारे में बेसिकली हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने पे। देखिए, इन 1900 ए पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल प्रोड्यूस ए म्यूजिक बुक दैट हैड ए पिक्चर ऑन द कवर पेज अनाउंसिंग द डॉन ऑफ द सेंचुरी, फिगर 1 जैसा कि है। एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन, एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज अ गॉडेस लाइक फिगर, द एंजल ऑफ प्रोग्रेस बेरिंग द फ्लैग ऑफ न्यू कंट्री। यानी कि जो आप फिगर देख रहे हैं, ये ईटी पाल म्यूजिक कंपनी ने जो है 1900 में जो है संगीत की एक किताब थी उसको पब्लिश किया था, उसके जो फ्रंट पेज है, कवर पेज, उस पर ये जो है बना हुआ था, ये प्रिंट जो है दी गई थी। ये क्या दिखाता है, ये नई सदी के उदय यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी दिखाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो फिगर है उसके बीच में एक देवी जैसी तस्वीर है, ये देवी हाथ में नए सेंचुरीज के ध्वज यानी झंडे वगैरह को ली हुई है और फरिश्ते के रूप में दिखाई दे रही है। इनका पांव आप देख रहे हैं इसमें पंखों वाले पहियों पर टिका हुआ है, और यह पहिया समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की ओर है, इसके उसके पीछे जो है उन्नति के चिन्ह जो है, जो भी कुछ है प्रोग्रेस के, वो सब फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने वगैरह। तो मशीन और तकनीकी का यह जो महिमा मंडन हो रहा है इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये और भी तस्वीर में ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह फिगर जो है एक व्यापारिक मैगजीन के पन्नों पर 100 साल पहले छपी थी, और इस फिगर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं, और ऊपर वाले हिस्से में आप ओरिएंट यानी प्राची इलाके के अलादीन हैं, जिसने जो है अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक बड़ा सा महल निर्माण कर दिया। फिर नीचे आप देख रहे हैं, देखिए ये फिगर है, फिगर 2 आप देख सकते हैं इसको। तो यह जो है एक आधुनिक मैकेनिक है जो कि अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहे हैं। यह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें भी बनाते हैं। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक जो है वो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा को बताती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व की बात करें तो जो तकनीकी हैं, तो जो तकनीकी बदलाव हुए हैं, जो आविष्कार हैं, जो खोजबीन हुए हैं, जो मशीनें, कारखाने, रेलवे और जो जो वाष्पोत हैं यानी जो पानी में चलने वाले हैं, ये दुनिया के रूप में इनको दिखाया गया है। इसमें बात करें आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इतिहास जो है विकास की कहानी के रूप में सामने आता है, और मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो इस प्रगति का बहुत ज़्यादा बड़ा रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो फिगर है ये सब क्या है, ये भाई ये संबंध लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रगति को आधुनिकता के काल में रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे फैक्ट्रियों का निर्माण जो है, या फिर गगनचुंबी जो इमारतें हैं, जो ये पुलों का विस्तार है, ये समाज के विकास का ही प्रतीक है? ये छवियाँ किस तरह से प्रकाशित हुई हैं या विकसित हुई हैं, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? और औद्योगिकरण के लिए क्या तीव्र तकनीकी का विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे कई सवाल का जवाब देने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि यहाँ हम दुनिया के फर्स्ट टाइम सबसे पहले औद्योगिक जो राष्ट्र ब्रिटेन है, और उसके बाद फिर भारत में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जहाँ पर जो है जो चेंजेस हुए हैं, जो कॉलोनियल शासन के तय से हो रहा था जब उस समय वो लोग आए थे। तो ठीक है, इसको हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आज फर्स्ट पार्ट में आएगा आपके बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले का कैसा समाज रहा है। तो देखिए,
All too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to a factory production. यानी कि औद्योगिकरण को हम अक्सर कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं. जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से. और अगर हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से. तो भाई औद्योगिकरण के इतिहास में अक्सर प्रारंभिक जो फैक्ट्रियाँ हैं ये इनकी स्थापना से चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं. तो इस पर इस सोच में एक समस्या है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से पहले भी जो इंटरनेशनल मार्केट था उसके लिए बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोडक्शन था वो होने लगा था बिना इंडस्ट्री के ही. यह जो प्रोडक्शन था यह फैक्ट्रियों में नहीं होता था. बहुत सारे हिस्ट्रियन जो बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस चरण को आदि औद्योगिकरण यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है. बात करें 17 और 18 सेंचुरी की तो यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे गांव की तरफ जाने लगे और वे किसानों कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए प्रोडक्शन करवाते थे. उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड जो व्यापार था उसके विस्तार और दुनिया के अलग अलग भागों में जो उपनिवेशक की स्थापना के कारण यहाँ पर चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी. इस मांग को पूरा करने के लिए वे केवल शहरों में ही रहते हुए प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता था. इसलिए यही वजह थी कि शहरों में जो शहरी लोग थे और जो व्यापारी गिल्ड्स थे वो काफ़ी ताकतवर थे. ये गिल्ड्स जो है प्रोडक्शन के संगठन होते थे. गिल्ड से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट होते थे जो प्रोड्यूसर होते थे वो सब कारीगर को जो है प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर जो प्रोडक्शन होता था उस पर कंट्रोल रखते थे. कंपटीशन और वैल्यू तय करते थे, रेट तय करते थे, प्राइसेस तय करते थे और बिजनेस में नए लोगों को आने से रोका भी करते थे कि ये आ जाएगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना कंपटीशन. तो शासकों ने जो है अलग अलग गिल्ड्स को खास प्रोडक्टों के लिए उसके प्रोडक्शन के लिए और व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था कि आप ये लोग फलाना ये सब सारे काम कर सकते हैं. फलस्वरूप क्या हुआ भाई कि नए जो व्यापारी थे शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे इसलिए वो लोग गाँव की तरफ जाने लगे. तो गाँवों में जो गरीब काश्तकार थे और दस्तकार जो सौदागर के लिए अपने काम करने लगे. जैसा कि आपने पिछले वाले साल हम लोग जो पढ़े थे बुक में देखे थे कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत जो थे वो खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की जो बाड़ाबंदी थी वो की जा रही थी. और अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जो जमीनों से जलावन की लकड़ियां होती थी और जो बेरियां सब्जियां भूसा चारा आदि ये सब बीनकर काम चलाने वाले जो छोटे किसान थे वो जो है गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे. बहुतों के पास तो क्या था कि छोटे मोटे खेत तो थे लेकिन उनसे जो है घर के सारे लोगों का पेट भी नहीं भर सकता था. इसलिए जब वहाँ पर सौदागर गए तो उन्होंने सामान को या जो भी प्रोडक्ट था उसको पैदा करने के लिए उगाने के लिए या करने के लिए रकम दिया करते थे तो किसान फौरन तैयार हो जाते थे. सौदागर के लिए काम करते हुए वे गाँव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे इसलिए सब काम करते थे. तो फिगर नंबर 3 में आप देख रहे हैं 18 सेंचुरी में कताई है जो कि सूत काटा जा रहा है. इसमें काटा जा रहा है आप देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं. ध्यान से देखिए कि एक चरखे पर केवल एक ही तकली बनी हुई है. तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि छोटे मोटे किसान जो थे वो सौदागरों के लिए काम भी करते थे और अपने खेतों को भी संभाल लेते थे घर पे होने से. तो इस आदि औद्योगिक उत्पादन से यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होने वाली जो आमदनी थी उसकी खेती के कारण सिमटती आय में भी बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया लोगों को. अब उन्हें पूरे परिवार के जो मेहनत संसाधन थे उनको यूज करने का भी मौका मिल गया था. घर के सभी लोग काम करते थे और अच्छा खासा कमा के खाते थे. तो इस व्यवस्था से शहरों और गाँव के बीच में ना एक क्लोज वाला रिलेशन डेवलप हो गया. तो सौदागर रहते तो थे शहरों में लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर लोग देहात में उनका काम जो है वो देहात में ही चलता था. इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स की बात करें तो इससे ये लोग ऊन खरीदते थे और सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे जो इससे धागा मिलता था और बुनकरों यानी फ्लूजर्स और जो रंग करने कलर करने वाले हैं उनके पास लेके जाया जाता था. लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी. इसके बाद जो निर्यातक व्यापारी थे ये कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने जाना लगा था. यह जो आदि औद्योगिक जो व्यवस्था है और व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा बन गया था और इस पर जो है जो सौदागर हैं इनका ही नियंत्रण था. चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था. उत्पादन के प्रत्येक जो चरण हुआ करते थे सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था. इसका मतलब यह है कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे. तो ये था. अब हम लोग देखेंगे कारखाने कैसे राइज हुए यानी द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज वगैरह कैसे डेवलप होने लगी. तो देखिए द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई. यानी इंग्लैंड में सबसे पहले जो है
1730 के आसपास जो है कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा तेजी से इजाफा 18वीं सदी के लास्ट में हुआ। कपास यानी कॉटन की बात करें तो नए युग का ये जो है सिंबल था, प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर के कपास के उत्पादन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। 1716 में ब्रिटेन अपने कपास की जो उद्योग की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में यह आयात जो है बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया, और यह इजाफा जो है प्रोडक्शन की प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस के कारण था। तो आइए देखते हैं कि ये चेंजेस कौन से थे जिससे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए थे जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी कार्डिंग, ऐंठना व कताई वाला और लपेटने के हर चीज़ों को, हर स्टेज को बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया था। प्रति मजदूर प्रोडक्शन भी बढ़ गया था और पहले ज़्यादा मजबूत धागे व रेशों का प्रोडक्शन होने लगा था। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने जो है सूती कपड़ा मिल की जो है रूपरेखा सामने रखी थी। अभी तक कपड़ा जो है उत्पादन जो है पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने घर पर ही रह के करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते जो है जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया थी ना, इस पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नज़र रखना भी पॉसिबल हो गया था। जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे, क्योंकि वो जो सौदागर थे वो शहर के हुआ करते थे। फिगर नंबर 4 आप देख रहे हैं, लंकाशायर की एक कॉटन मिल का ये फिगर है। सीई टर्नर के द्वारा बनाया गया फिगर है और इलस्ट्रेट लंदन की न्यूज है ये 1925 में। इसमें कलाकार बता रहे हैं कि उस समय नमी जो थी मौसम में, उसकी नज़र से देखें तो जो लंकाशायर दुनिया में सूत की कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता था और शाम के धुंधल के इलाके में दमकता हुआ कॉटन मिल सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता था। फिगर में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो गांव में रह के लोग प्रोडक्शन कर रहे थे और उनके ऊपर अब नज़र भी रखना पॉसिबल हो गया था। तो किसके ऊपर? जो लेबर थे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के जो दृश्य था इंग्लैंड का, उसका एक अभिन्न अंग बन गया था। बात करें नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई देती दिखाई देती थी कि उस समय लोगों की आंखें चौधियाँ जाती थी। आज आप लोग देख रहे हैं कितने तो सारे कपड़े हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसका क्या कारण है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। पहले ये सब नहीं था तो उस समय तो बहुत ज़्यादा ये मायने रखते हैं ना, जब इंडस्ट्रीज वगैरह लगने लगी तो इसलिए जादुई दिखाई देती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी प्रोडक्शन चालू है। अब 1.2 में देखिए, इसमें बताया जा रहा है आपको द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, ठीक है, मतलब किस तरह से औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, कैसे चेंजेस हुई। हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, यानी औद्योगिक की प्रक्रिया कितनी तेज थी, और क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री के जो उद्योग है उनका ही विकास हुआ करता था या फिर लेबरों का भी विकास हुआ। तो फिगर नंबर 5 इसके पहले हम लोग देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनिस्टर एम जैक्सन का फिगर है, ये द इलस्ट्रेटेड लंदन की न्यूज 1857 की। इसमें धुआं छोड़ती हुई चिमनियां और औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी कि भाई यहाँ पर जितना काला काला सब हो जाता था, कार्बन सब फैला हुआ करता था, तो वो अलग ही दिखता था कि भाई इधर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला ही एरिया है। तो भाई पहला देखिए, फर्स्ट क्या है इसमें, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन व क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स, यानी सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे पहले फलते फूलते उद्योगों में से एक था। तेजी से बढ़ता हुआ कपास का उद्योग 1840 के दशक तक जो है औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा, स्टील, ये सब आगे निकल गए। 1814 के दशक में जो है इंग्लैंड में जो है 1816 के दशक में उसके जो कॉलोनियल थे वो रेलवे का डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत तेजी से होने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग बात करें तो 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह जो वैल्यू है या जो मनी है इंग्लैंड के कपास के निर्यात में जो मूल्य से उससे कहीं दोगुना था। सेकेंड क्या है कि जो नए उद्योग थे परंपरागत उद्योगों की इतनी आसानी से हाशिए पर मार्जिन पर नहीं ढकेल सकते थे, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जो संख्या थी उसमें कुल 20% से भी ज़्यादा नहीं थे। तो कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके प्रोडक्शन का हिस्सा बड़े कारखानों में नहीं था बल्कि आपकी घरेलू इकाइयों, डोमेस्टिक इकाइयों में हुआ करता था। यह भी रीजन रहा है।
तीसरा देखिए, हालांकि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति से भाप से चलने वाले जो सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत जो उद्योग थे ये पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण बात करें, निर्माण पॉटरी कांच के काम, चर्म शोधन की बात करें जो चमड़े वगैरह के लिए होते हैं, फर्नीचर और औजारों के प्रोडक्शन भी बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में भी तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही तो परिणाम था, है ना। फिगर नंबर सिक्स में देखिए, इसके पहले हम लोग फोर्थ देखे हैं, इसके पहले आप देखिए फिगर नंबर सिक्स, इंग्लैंड में रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप, दी लिस्टेड लंदन की न्यूज है, इसमें फिटिंग शॉप के काम लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुराने चीजों की मरम्मत की जाती थी। तो फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ में क्या है भाई, क्या चेंजेज हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ अप हुआ, तो देखिए इसमें प्रौद्योगिकी जो बदलाव थे इसकी गति धीमी थी। औद्योगिक दृष्टि अगर हम लोग बात करें तो ये बदलाव नाटकीय रूप से तेजी से नहीं फैले, नई तकनीकी महंगी थी, सौदागर व व्यापारी उनके यूज के रूप में फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे, मतलब बहुत सावधानी से, और मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी तो उनकी मरम्मत पर भी काफ़ी खर्च आता था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जिनका जितना उनके आविष्कारों निर्माताओं का दावा हुआ करता था। तो इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग भाप के इंजन का उदाहरण लें, जिसे जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया गया। इस मॉडल का प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन था उसके दोस्त यानी उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की स्टार्टिंग में पूरे इंग्लैंड में भाप के केवल 321 इंजन ही थे, इनमें से जो है 80 जो इंजन थे वो सूती उद्योगों में, 9 उनके उद्योगों में, बाकी खनन और नहर निर्माण और लोहे वाले कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय के बाद भी नहीं हुआ था, यानी मजदूरों की जो उत्पादन क्षमता है उसको कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली जो प्रौद्योगिकी है वो उसको अपनाने में उद्योगपति अभी भी हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे हैं कि भाई 19वीं सदी के मध्य का औसत जो मजदूर हैं मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही हुआ करता था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है फिगर नंबर 7, 1830 की कताई फैक्ट्री है ये, आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाप की ताकत से चलने वाले विशाल काय पहिए पर एक सैकड़ों तकलियों को घुमाने के लिए इसका यूज किया जाता था और जल्दी जल्दी सूत काटा जाता था, जल्दी जल्दी डेवलप होता था। इसके सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर में है देखिए, हैंड लेबर एंड स्ट्रीम पावर, यानी हाथ का मेहनत जो श्रम है और वाष्प की शक्ति कैसी रही है भाप वाली। तो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, पुअर पीजेंट एंड वैग्रेंट मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स वेटिंग फॉर वर्क। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में बात करें तो मानव लेबर की कोई कमी नहीं थी, गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी शहर संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप जानेंगे कि हम जब श्रमिकों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है तो वेतन गिर जाता है, तो हमको पता है, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन में भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं होती थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी जिनके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए, क्यों, क्योंकि मजदूर ज़्यादा है कम ही पैसा में काम हो जाता है, तो जिन पर बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला होता किस पे, मशीनों पे, इसलिए वो लोग ध्यान ही नहीं देते थे। बहुत से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोड्यूसर थे तो बहुत सारे उद्योगों में जो श्रमिक की मांग है ना मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी, जिस समय सीजन में काम आया तो उस समय बढ़ गई, नहीं है तो नहीं है। गैस के घरों में, शराब खानों में बात करें, जाड़ों के दौरान बहुत ज़्यादा काम रहता था, इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बात करें तो बुक जो बाइंडर होते हैं, बुक बाइंडरिंग करते हैं, और प्रिंटरों को भी दिसंबर के पहले ही अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज की मरम्मत और साफ सफाई का और सजावट का भी काम जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में जो है मौसम के उत्पादन के साथ साथ जो कि घटता बढ़ता रहता था, वहाँ पर उद्योगपति जो है मशीनों की बजाय मजदूरों से ही काम करवाना पसंद करते थे। ये फिगर है फिगर नंबर 8, काम की तलाश में निकले लोग, ये भी इलस्ट्रेटेड लंदन की न्यूज है 1879 में। तो कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं और स्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, मतलब साथ में कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो कुछ बेचने के लिए भी सामान ले लेते थे और उसको बेचते भी थे और जॉब वगैरह भी खोजा करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे, मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर जो है बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों का ही काफ़ी मांग रहा करता था। और उदाहरण के लिए बात करें हम लोग तो ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए हम लोग इसमें जो है ये लोग यांत्रिक रूप से प्रौद्योगिकी का नहीं बल्कि इंसानी निपुणता का इसमें ज़रूरत रहता था।
विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में बात करें, उच्च वर्ग के लोग कुलीन और जो पूंजीपति वाले जो वर्ग थे, ये हाथों से बनी हुई चीज़ों को ही महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले जो उत्पाद हैं, उपनिवेशक जो में निर्यात कर दिया जाता था इसको, और कॉलोनियल के साथ इसको बेच दिया जाता था। और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी, वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके भी अपना काम चला सकें। और 19वीं सदी के अमेरिका में भी यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में बात करें तो कामगारों की कोई कमी भी नहीं थी। फिगर नंबर 9 में आप देख रहे हैं लोहे की फैक्ट्री में मजदूर, आपके नॉर्थ और ईस्टर्न इंग्लैंड की है, विलियम वेल स्कॉट की पेंटिंग है ये 1861 में। तो इसमें देखिए पीड़ा झेलते हुए कैसे लोग लोहे की भट्टियों पे काम कर रहे हैं और कैसे इनकी लाइफ है। तो अब देखेंगे हम लोग वर्कर्स की लाइफ कैसी होती थी, मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है। तो देखिए, द एबंडेंस ऑफ द लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर, ये तो हर एक की बात है। बाजार में जो श्रम की बहुयात, जो काम कम होने से मजदूरों की जिंदगी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। जैसे कि नौकरियों की खबर गाँव में पहुंची और सैकड़ों की तादाद में लोगों के जो है भीड़ भाड़ शहरों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर ही निर्भर हुआ करती थी। अगर आप किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार दोस्त लगा हुआ है, तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक जो है संपर्क नहीं रहते थे, तो रोजगार चाहने वाले बहुत से सारे लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या कहीं इधर उधर अपना रात बिताते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने हुए निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे जो गरीब कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले लोग थे, वो जो अस्थाई जो चीज़ें थी, घरें बनी थी सरकारी, उसमें जाके रहा करते थे। बहुत सारे उद्योगों में बात करें मौसमी काम की वजह से जो कामगारों के बीच बीच में जो है बहुत समय तक उन्हें खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गाँव में चले जाते थे, जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। कौन आएगा जाएगा 10-12, है ना, इतना साधन भी नहीं है जैसा हम लोग आज के समय में तुरंत ही चले जाते हैं ना। तो जो 19वीं सदी के मध्य तक भी ये सब चीज़ें आसान नहीं थी, तो ऐसा ही लोग जीवन जीते थे, यही लाइफ रही है लेबर की। 19वीं सदी की शुरुआत में जो वेतन थे उनमें कुछ सुधार तो आया, लेकिन इससे जो है मजदूरों की हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़े जो थे वो अलग अलग व्यवसायों के बीच में आने वाले फर्क और हर साल जो है होने वाले उतार चढ़ाव में छिपे रह जाते थे। बात करें हम तौर पर, तो जब लंबे नेपोलियन युद्ध हुए थे, तो उस दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी थी और जो मजदूरों की आय है वो वास्तविक जो मूल्य है उसमें भारी कमी आ गई थी। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले वे उतनी चीज़ों को खरीद नहीं सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन की पर ही निर्भर होती थी। तो ठीक है, तो रोजगार की जो अवधि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत जो दैनिक आय है इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में जो है सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% ही शहरी आबादी गरीब रहा करती थी। 1830 के दशक में बात करें तो आई जो आर्थिक मंदी थी, जैसे बेरोजगारों की संख्या अलग अलग क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो है नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ा भी करते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया था, तो हाथ से ऊन काटने वाली जो औरतें थीं इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी का इस्तेमाल या टकराव जो था यह लंबे समय तक चलता रहा। 1840 की बात करें तो 1840 के दशक में के बाद जो है शहरों के निर्माण की जो गतिविधियां थी वो तेजी से बढ़ने लगी थी और लोगों के लिए नए नए रोजगार भी होने लगे थे। सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइन का विस्तार किया गया, सुरंग बनाई गई और निकासी और सीवर की व्यवस्था भी बिछाई गई। हाँ, नदियों के तटबंध भी बनाए गए, जो तट होते हैं उसको बनाया गया। परिवहन उद्योग में काम करने वाले जो लोगों की संख्या थी वो 1840 के दशक में दोगुना हो गई और अगले 30 सालों में एक बार फिर से दोगुना हो गई। ऊपर आप फिगर देख रहे हैं, फिगर नंबर 10, इसमें जो है आप देख सकते हैं बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिडल्स की पेंटिंग है ये। इसमें दिखाया गया कि लंदन में बेघर लोग जो है एक कामगार यानी वर्क हाउस में रात भर ठहरने के लिए टिकट के लिए अपनी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये आश्रय जो है, ये जो घर है, ये बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवाराओं और यहाँ वहाँ भटकते रहने वाले लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते हैं। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है और उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं और कपड़े गंदे तो नहीं है, और उनको जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। फिर फिगर नंबर 11 देख रहे हैं आप, स्पिनिंग जेनी टी निकल्सन द्वारा बनाया गया ये चीज़ है और ध्यान से देखिए इसमें एक पहिए पर कितनी सारी तकलियां घूमने के लिए लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी लगी हैं जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा सूत काटा जाए। फिगर नंबर 12 में ये आपका मध्य लंदन में जो एक उथला भूमि आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन का है और 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब यह है कि सुरंग बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने और ईंट लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी, तो रोजगार चाहने वाले जो निर्माण स्थल से दूसरे स्थल पर चले जाते थे। तो ठीक है, और फिर इसके बाद आता है आपका उपनिवेशकों यानी औद्योगिकरण। ओके, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। और ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।